सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीके बाइकर। आज की जो वीडियो गाइस वो हमारी होने वाले बजाज पल्सर F250 के बारे में। ये जो बाइक है इसमें दो मॉडल आपको देखने को मिल जाती है। एक F250 है जो फ्रेमिंग बाइक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बाइक है F250 फ्रेमिंग बाइक है, और इसमें एक और N250 आ जाती है जो नेकेड बाइक है। तो ये जो दोनों बाइक है गाइस, ये हाल ही में लॉन्च की गई है 2022 में, और यहाँ पे जो अभी अवेलेबल थी वो थी F250। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स है और क्या इसकी ऑन रोड प्राइस आ जाती है, सारी कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइस लुक में। तो लुक में आप लोग देख सकते हैं कि फ्रंट का जो व्यू है कुछ इस तरह से आ जाता है, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब लुक के वाइज। और यहाँ पे साइड से इस तरह से लुक आपको देखने को मिल जाती है। इंजन के कलर वगैरह कुछ चेंज किए गए हैं इसमें, जो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर साइड से आप लोग इसका लुक देख सकते हैं। बैक साइड में, बैक साइड की जो लाइट है गाइस वो काफ़ी अच्छी दी गई है, जो टेल लाइट जिसे हम लोग बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छी दी गई है लाइट। लाइट के मामले में भी ये काफ़ी अच्छी है, मैं आगे आपको जला करके दिखा दूंगा। यहाँ पे F250 की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पे फ्रंट में पल्सर की बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो सिल्वर में नॉर्मल दी गई है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे नीचे साइड में अगर हम लोग लुक की बात कर ले तो सिल्वर से आप लोग देख सकते हैं कि सारा जो कलर है नीचे यहाँ पे सिल्वर में आपको देखने को मिल जाती है। इंजन की कलर आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिल जाती है। अब वहीं पर बात कर लें अगर इंजन सीसी की गाइस, तो इंजन में आपको देखने को मिल जाती है 249.7 सीसी की इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाती है, और ये ऑयल कूल इंजन आपको यहाँ पे मिल जाती है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि ऑयल कूल इंजन इसमें आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें इंजन की बात कर लें अगर हम लोग, तो इसमें सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वॉल्वो SOCHFI इंजन देखने को मिल जाएगी। और इसमें अगर बात कर ले पावर की, तो मैक्स पावर इसमें 24.5 PS की पावर दी गई है, और मैक्स टॉर्क की बात कर ले तो 21.5 न्यूटन मीटर में इसकी पावर देखने को मिल जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी टायर की। तो टायर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, एक मिनट क्लियर नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 180/17 की टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो MRF की टायर दी गई है इस बाइक में। और यहाँ पे डिस्क साइज़ की अगर हम लोग बात कर ले तो 300 mm की डिस्क साइज़ दी गई है सिंगल चैनल ABS के साथ में गाइस। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, जो लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाएगी। और वहीं पे अगर हम लोग चलिए अब रियर साइड में बात कर लें, तो रियर साइड में जो टायर है यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि जो टायर साइज़ है यहाँ पर क्या दी गई है। तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गाइस की जो टायर साइज़ है 130/70/17 की टायर दी गई है इसमें, और यहाँ पे भी MRF की टायर देखने को मिल जाती है। और इसकी अगर डिस्क साइज़ की बात कर लें तो 230 mm की डिस्क साइज़ देखने को मिल जाएगी इसमें आपको। इस बाइक की अगर बात कर ले वेट की, तो 162 kg की टोटल वेट दी गई है, और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है गाइस वो 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लचर की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पीडोमीटर एंड लॉगिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और बाकी सारी कुछ आपको यहाँ पे डिजिटल देखने को मिल जाती है, जैसे इंडिकेटर, ABS, बैटरी साइन, और यहाँ पे टाइमर वगैरह सारी कुछ आपको डिजिटल देखने को मिल जाती है। इसमें साइड सेंसर भी दी गई है, साइड स्ट्रेन लग रहा हो तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, सारी कुछ आपको सेंसर वगैरह इसमें मिल जाती है गाइस। और बाकी मीटर में जो भी कुछ देख रहे हैं आप लोग, सारी कुछ डिजिटल दी गई है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ स्विचेस की। तो स्विचेस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पासिंग के लिए एक स्विच दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे हाई और लो के लिए एक स्विच दी गई है। इंडिकेटर के लिए आपको स्विच मिल जाती है, और यहाँ पे हॉर्न के लिए एक स्विच देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे राइट साइड में इंजन के लिए स्विच मिल जाती है, और सेल्फ स्टार्ट के लिए एक स्विच मिल जाती है। और इसमें किक नहीं दी गई है, तो सेल्फ की पावर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है इस बाइक में गाइस। और वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले इसमें फ्रंट में लाइट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइलेंट लैंप हमारा, जो वाइट कलर की DRL जो देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। और चलिए अब मैं इसे स्टार्ट करके आपको हेडलाइट की भी दिखा देता हूँ, विजिबिलिटी की कैसी है। वाइट कलर की LED आपको देखने को मिल जाएगी इस बाइक में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसकी जो टेल लाइट है, टर्न लाइट है, सारी कुछ आपको इसमें LED ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको फ्रंट का व्यू दिखा रहा हूँ कि जो हेडलाइट की जो पावर है वो कैसी दे रही है।
तो यहाँ पे हेडलाइट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है कैमरा में अच्छे से नहीं आ रहा हो, लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इंडिकेटर जो डोमिनार में आपको देखने को मिलती है, एलईडी इंडिकेटर, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिल जाती है एलईडी में। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी टेल लाइट की। तो टेल लाइट यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिल जाता है। चलिए पीछे साइड में आपको मैं दिखाता हूँ किसकी जो टेल लाइट है वो कैसी दी गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो टेल लाइट है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो लाइट के मामले में मुझे ये बाइक काफ़ी अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। तो चलिए गाइस इसे स्टार्ट करके देखते हैं इसकी एग्जॉस्ट साउंड क्या है। तो यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी साउंड है इसमें मतलब दी गई है, जो आप लोग सुन पा रहे हैं। पता नहीं मतलब कैमरा में आ रही है साउंड ठीक से या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी साउंड इसकी लग रही है। तो चलिए अभी से हम आप लोग बंद करते हैं और बात कर लेते हैं इसकी कलर की। तो कलर में आपको इसमें दो कलर वेरियंट देखने को मिल जाती है, एक जो रेड कलर आ जाती है और एक है जो यहाँ पे ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं लास्ट में इसकी प्राइस की। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,42,600 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है गाइस। गाइस और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है पटना बिहार में वो है 1,69,800 रुपीज़ इसकी ऑन रोड प्राइस पटना बिहार में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोग पटना से हैं तो इस बाइक को लेना चाहते हैं तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोई भी जानकारी चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल सकती है, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा गाइस। तो यही थी आज की वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।